दीवा के अवैध निर्माणों पर हुई महातोड़ू कार्रवाई। मैम, आपने जब से चार्ज संभाला है उसके बाद से काफी सारी बिल्डिंगें तैयार हो भी चुकी है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैंने जब से चार्ज संभाला है तब से बहुत कुछ गिराए भी है बेटा। हाँ, ये बनी हुई है, उनका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। तकरीबन काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, लगातार दीवा प्रभाग समिति में एक आरोप लग रहा था कि खरडी गांव, अचार गली, खान कंपाउंड ऐसे तमाम जो जगह है वहां पर अवैध निर्माण का भरमार है, और इसी अवैध निर्माण के भरमार को देखते हुए तमाम लोगों का आरोप लग रहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त है दीवा प्रभाग समिति, इसलिए कार्रवाई जो है वो होती नहीं है। आखिरकार इसका मुंहतोड़ जवाब कार्रवाई के साथ दिया है दीवा प्रभाग समिति ने, जहाँ पर तकरीबन 7 लोगों के ऊपर दीवा प्रभाग समिति ने कार्रवाई किया है। और इस कार्रवाई में आप देखिए तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तोड़ू कार्रवाई की गई, और साथ ही साथ इस पूरे कार्रवाई को लेकर के आला अधिकारियों ने क्या कुछ जानकारी दी है वो भी हम आपको सुन। देखिए, दीवा में आज 31/1/2022 है आज, और आज के दिन जो है 7 जगहों पर कार्रवाई की गई है, और ये कार्रवाई हुई इसलिए है कि आप लोग यानी जनता जो है अनधिकृत बिना परमिशन के बांधकाम करती है। हमारा शासन का ये ऐसा नियम है, महापालिका का ऐसा नियम है कि आप जो भी करें आप नियम से करें, आप परमिशन लेकर करें। अभी हमने इसके पहले भी आप देखते हैं, मैंने कम से कम 183 के ऊपर मैंने जो है कार्रवाई की हुई है, यानी 183 बार हमने जो है बने हुए जो बांधकाम है वो गिराए हैं। कई बांधकाम तो ऐसे हैं जो हमने 5-5, 6-6 बार कार्रवाई की है, और आज जो कार्रवाई हुई मेरा, है मेरा एक सवाल है, खान कंपाउंड का मैंने आपको ट्वीट किया था, वो बिल्डिंग एक भी कार्रवाई नहीं हुई, प्लेन से उसका ट्वीट लगातार चालू था और पूरा 5 माला कंप्लीट हुआ। देखिए, आपने मुझसे आज की कार्रवाई का पूछा है और मैं आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ। आपने ट्वीट किया होगा, हम भी समय समय पर कार्रवाई करते हैं, और इसके पहले आज जो कार्रवाई 7 जगह हुई थी, 5वीं बार कार्रवाई हुई है एक ही जगह। आप देखिए, या तो आप बोलिए या तो मुझे बोलने दीजिए। खान कंपाउंड के लिए पर्सनली हम आए थे और आपसे यहाँ बैठ के हमने मीटिंग की थी, और आपने बताया था मेरा काम मुझे मालूम है, आप मत बताइए, और उसके बाद हमने ट्वीट किया था, और उसके ट्वीट करने के बावजूद उधर खान कंपाउंड में कार्रवाई नहीं। एक दिन में हर चीज होती नहीं है, आज हमने 7 जगह कार्रवाई ली है, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इसके बाद भी जो है ये कंटिन्यू कार्रवाई होगी। आज ये कार्रवाई 7 जगह हुई है,
इसके बाद कल और हम आगे खान कंपाउंड पे जाएंगे, उसके बाद हम दीवा गांव में भी जाएंगे और जितने भी अनधिकृत बांधकाम है, चाहे रुके हुए हैं या बढ़े नहीं है या बढ़ रहे हैं या प्लिंथ के काम है, पाइलिंग का काम है, वो सब हम निष्कासित करेंगे। मैडम आज आपने मैडम जितनी भी कार्रवाई होती है सिर्फ तोड़ू कार्रवाई होती है, जो अनधिकृत बिल्डिंग बना रहे हैं उन पे कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे ज्वाइन होकर अभी 4 महीने हुए हैं और 4 महीने में 49 जो है MRTP मैंने दाखिल किए हैं, 49 केसेस मैंने पुलिस में दाखिल किए और ये कार्रवाई जो है ये कंटिन्यू होती रहेगी। इसके बाद भी आज जो कार्रवाई हुई है ये छुट्टियों के बाद हुई है, जब भी सैटरडे संडे आता है और उसके बाद जो है सैटरडे संडे देखकर लोग जो है बनाते हैं, ये बांधकाम पूरा करने की कोशिश करते हैं और मंडे को, हर मंडे को क्या, हम तो हर रोज कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस बार हमने जो है ये पूरा एक जैसे पैकेज लेते कहते हैं उसमें हमने ये तय किया था कि इस बार हम एक साथ गिराएंगे ताकि हम जो कार्रवाई करते हैं वो भी आप सबको दिखे। आपके एक शख्स ने कहा कि हम तोड़ू कार्रवाई करते हैं, आप आज आपने देखा है आपको कहीं भी तोड़ू कार्रवाई लगती है? ये आज देखा गया ना मैडम, इसके पहले पिछले जो हम सत्ता, हम पूरा लगातार आपको कंप्लेन और ट्वीट करते चले आ रहे हैं उसमें नहीं देखा गया? ये आपका ऐसा नजरिया होगा, ऐसा नहीं है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास भी प्रूफ है भैया, हम लोग भी जो काम करते हैं ये हम भी तोड़ू कार्रवाई नहीं करते हैं, हम भी पूरी कार्रवाई ही करते हैं, लेकिन होता यह है कि हम कार्रवाई करके पीठ पीछे, हमारी पीठ पीछे हुई नहीं कि फिर से वहां पर बांधकाम शुरू होता है। आपके माध्यम से आप जो है हमारी इस संस्था का चौथा आधार स्तंभ है, आपकी माध्यम से आप जनता को ऐसा आह्वान है मेरा कि वो अनधिकृत ना बनाए, वो कोई भी चीज बिना परमिशन के ना बनाए, वो हमारी परमिशन ले, रीतसर उसको परमिशन लेने के बाद ही बनाया जाए। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि शहर जो है वो अच्छा दिखता है, उसका विद्रूपीकरण नहीं होता। ये ऐसा करने से शासन उस जगह पर अच्छे से रास्ते बना सकते हैं, नाले बना सकते हैं, लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखा जा सकता है। और खान कंपाउंड एक ऐसा है कि जहां पर कितना भी कार्रवाई क्यों, मैंने बताया आपको मैंने 183 से ज्यादा मैंने कार्रवाई बार ज्यादा कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर बनते रहता है। और हमने ये इसको आपके माध्यम से पुलिस जो है, पुलिस को भी हम ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जब उन पर गुनाह दाखिल करते हैं, MRTP दाखिल करते हैं, तो उसके बाद वो भी ध्यान दे, उनका भी कुछ तो यहाँ पर हस्तक्षेप होना चाहिए। के बाद भी अगर ये बिल्डर्स लोग अगर वापस तो हम यही तो काम करते हैं, हमारा तो काम ही ये है, जहाँ 5-5 बार कार्रवाई की वहाँ 6-6 बार हो जाएगी हुई है और इसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी। और आज कारवाई मध्ये दिवा प्रभाग समिती होती, कलवा प्रभाग समिती मधले पण होते, असेच पुढे पण कारवाई मध्ये असणार आहे का? हाँ काही दिवस असणार आहे। कितनी टीम थी आज जो है, किस मतलब प्रभाग समिती के लोग थे, कितने मतलब उसमें जो है वार्ड ऑफिसर थे और आपके कर्मचारी कितने थे और कितने JCB लगी हुई थी? देखिए आप लोग सब साक्षीदार हैं, आप सबने देखा है, मेरे 80 लेबर थे, 3 JCB थे और बाद में शाम को एक पोकलैन भी आया था, प्लस मेरे कड़वा दीवा और मुमरा के हम सहायक आयुक्त थे, वैसे ही अतिक्रमण विभाग के भी सहायक आयुक्त मिस्टर फारूक शेख में भी थे, तो हम 4 लोग थे। तो मैडम दीवा में कहीं ना कहीं इस कार्रवाई हमेशा जो है कार्रवाई होने वाली लूज नजर आ रही थी, इसके लिए इतने लोगों का सहारा लिया गया? नहीं ऐसा नहीं है, हम एक साथ में करना चाहते थे ताकि हमारा, हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसका लोगों पर इफेक्ट हो, लोग भी इसे समझें कि देखो हम नहीं सुन रहे हैं, अकेले दीवा ने 5-5 बार कार्रवाई की भी फिर भी हम बना रहे हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा बड़े पैमाने पर किया। लोगों का ये भी कहना है ये दीवा के अंदर कार्रवाई नहीं होती है और खाली इधर ही एक दिन में हम हर जगह नहीं कर सकते, हम लोग भी भगवान नहीं है, कार्रवाई कितने दिन तक चलेगी? आपके जैसे इंसान है जब तक खत्म नहीं होगा जब तक चलेगी, फिलहाल कुछ दिन तक तो चलने वाली है। मैम आपने जब चार्ज संभाला है उसके बाद से काफी सारी बिल्डिंगें तैयार हो चुकी है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैंने जब से चार्ज संभाला है तब से बहुत कुछ गिराया भी है बेटा। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई TV। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज के साथ।